सब्सक्राइब कीजिए रेवन राइट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले मोटो वीडियोस देखने के लिए। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो टॉप 5 बाइक्स जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है 2019 में, और साथ ही साथ उनमें से कुछ इस महीने के एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग में भी लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप मन बना रहे थे कि एक नए बाइक को परचेस करने का, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि क्या क्या इंडियन मार्केट में नए बाइक लॉन्च होने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड की हाल ही में टीज की गई एक वीडियो के जरिए हमें पता चला है कि रॉयल इनफील्ड अपने क्लासिक वेरिएंट के ही इंजन मॉडल के साथ एक न्यू बाइक को लॉन्च कर रही है। बुलेट ट्रेल्स के नाम से इस बाइक को कंपनी लॉन्च कर सकती है। 350 सीसी और 500 सीसी दोनों ही वाले वेरिएंट्स में ये बाइक को कंपनी लॉन्च करने वाली है, और साथ ही साथ ये बाइक एक ऑफ रोड फोकस होने वाली है। बिकॉज टायर्स और व्हील्स देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये बाइक एक टोटली ऑफ रोड फोकस होने वाली है, बिकॉज इस बाइक के डिजाइन को ही उस तरीके से किया गया है। और साथ ही साथ ये बाइक को बताया जा रहा है कि ये 27 मार्च 2019 यानी कल इस बाइक का ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। सो जैसे ही ये बाइक ऑफिशियली अवेलेबल होती है तो मैं इस बाइक के सारे स्पेसिफिकेशंस डिटेल्ड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूँ बजाज की डोमिनर 400 UG5 के बारे में। अपने 2019 वाले वेरिएंट में बजाज ने डोमिनर के साथ बहुत ही ज्यादा चेंजेस करी है, और साथ ही साथ कुछ अच्छे और न्यू कलर्स स्कीम को भी लॉन्च किया है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर सबसे मेजर चेंज की मैं बात करूं तो इस बाइक में हमें इंजन की पावर में अब ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है, बिकॉज 5 BHP से इस बाइक की इंजन की पावर बढ़ चुकी है। और चेंजेस की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमें अब USD फोक्स देखने को मिलते हैं। USD फोक्स होने की वजह से इस बाइक की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 5 BHP से इस बाइक की पावर को भी बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ एक न्यू सस्पेंशन सेटअप को बजाज ने इस बाइक में ऐड कर दिया है, जिसकी मदद से लॉन्ग जर्नी और भी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाएगी। और अब बात करें इस बाइक के प्राइस की, तो इस बाइक की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 1,75,000 ex-showroom प्राइस। जैसे ही ये बाइक शोरूम में अवेलेबल होती है मैं आप लोगों के लिए इस बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड जरूर लाऊंगा। बैक इन 2018 हीरो ने शोकेस करा था अपने इम्पल्स के सक्सेसर एक्सपल्स 200 को, और साथ ही साथ इस बाइक के दो वेरिएंट्स को हीरो ने शोकेस किया था हम सभी लोगों के लिए। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि हीरो टोटली सेट है इस बाइक को लॉन्च करने के लिए 2019 में, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल 2019 में ये दोनों ही बाइक हीरो लॉन्च कर सकती है इंडियन मार्केट के लिए। 200 सीसी की एयर कूल्ड इंजन इस बाइक में हमें देखने को मिलती है, और इस बाइक की पावर 18 bhp और 17 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ ये एक डर्ट बाइक काइंड ऑफ बाइक है, जिन लोगों को इस तरह के बाइक्स पसंद है वो वेट कर सकते हैं। और इस बाइक की लॉन्च डेट बताई जा रही है कि अप्रैल या फिर मई में ये बाइक लॉन्च हो सकती है। और प्राइस की अगर बात की जाए तो इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस वो 1,00,000 to 1,20,000 ex-showroom बताई जा रही है। तो जिन्हें इस तरह की बाइक पसंद है वो वेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ क्रूजर्स बाइक के बारे में जो कि 2019 में इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च हो सकती है, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है यूएम मोटर्स की तरफ से आने वाले रेनेगेड ड्यूटी एस मॉडल, और साथ ही साथ इसी कंपनी का एक और बाइक रेनेगेड ड्यूटी एस मॉडल। जी गाइस, ये दोनों ही बाइक्स क्रूजर टाइप के बाइक्स हैं और इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकते हैं। और साथ ही साथ इंजन की अगर बात करूं इस बाइक की, तो इस बाइक में हमें 223 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल मोटर इंजन देखने को मिलता है जो कि 5 गियर बॉक्स के साथ आता है। और साथ ही साथ इस बाइक की अगर पावर की बात की जाए तो 17 PS की पावर जो कि 8000 RPM पे ये बाइक जनरेट करती है, और साथ ही साथ 17 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये बाइक 5000 RPM पे जनरेट करती है। प्राइस की अगर बात की जाए तो इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 1,20,000 से लेकर 1,35,000 के आसपास जा सकती है, बिकॉज ये बाइक जब भी लॉन्च होगी तो ABS के साथ लॉन्च होगी, बिकॉज ABS अब मैंडेटरी हो चुकी है। और उन लोगों का बजट 1,20,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच में था, तो वो डेफिनेटली इस बाइक का वेट कर सकते हैं और एक बार इस बाइक को चेकआउट कर सकते हैं खुद से जाकर जब ये बाइक शोरूम में अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा चांस है कि यूएम मोटर अपने SR200 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, बिकॉज ये एक टूरर बाइक है और इंडियन मार्केट में धीरे धीरे टूरिंग कम्युनिटी ग्रो हो रही है। तो इस बात को देखते हुए यूएम मोटर्स इस बाइक को हो सकता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च कर दे।
और अब बात करते हैं कुछ स्कूटीज की जो कि 2019 के मिड में लॉन्च हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले आती है एप्रिलिया की SR125 स्ट्रोम एडिशन। जी गाइस, इस स्कूटी को लॉन्च होने में अभी कुछ वक्त है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्कूटी एप्रिलिया की 2019 के मिड में लॉन्च होने वाली है। और साथ ही साथ स्कूटी में जो चेंजेस मेजर है वो है इस स्कूटी के कलर्स और कुछ नए डिजाइन और ग्राफिक्स, और कोई भी चेंजेस नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, कोई भी चेंजेस नहीं है इस स्कूटी में। और अगर प्राइस की बात की जाए तो इस स्कूटी की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 80-85,000 एक्स शोरूम हो सकती है। तो जिन लोगों को भी इस वाले स्कूटी का इंतजार था वो थोड़े दिन और वेट कर सकते हैं, बहुत ही जल्द ये स्कूटी हमें शोरूम्स में देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये स्कूटी शोरूम में अवेलेबल होती है मैं आप लोगों के लिए इस स्कूटी का भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लाऊंगा। और अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट के आखिरी व्हीकल के बारे में जो कि आ रही है हीरो की तरफ से, हीरो माइस्ट्रो एज 125 जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। और हीरो अपने i3s वाले टेक्नोलॉजी के साथ इस स्कूटी को लॉन्च करने वाला है। और साथ ही साथ इसमें हमें एक जो मेजर चेंजेस देखने को मिलता है वो कि अब हमें इस स्कूटी में एक साइड स्टैंड इंडिकेटर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा एक सेफ्टी फीचर है। वाइब्री के ब्रेक कैलिपर और कुछ न्यू ग्राफिक्स के साथ हीरो जल्द इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। प्राइस की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्ट की जा रही है इस स्कूटी की प्राइस 62,000-65,000 एक्स शोरूम, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है मेरे ख्याल में, बट जैसे ही ये शोरूम्स में लॉन्च होगी इसकी एग्जैक्टली प्राइस हमें पता चल जाएगी। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो के लिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल रेवन राइट को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक के लिए लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज गियर अप।